हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी टुडे इन दिस लेक्चर विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 200 एंड व्हाट इज द डिबेटेबल इशू बिटवीन गवर्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल आर्टिकल 200 आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 200 सो इस लेक्चर में हम पर्टिकुलर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल टू में ऐसा कौन सा लूप होल है जिसके वजह से गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट जो है इनके बीच में क्लैश बार बार होता रहता है और ये जो केसेस है ज्यादातर पे पे घटित होती सेंटर में जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी की स्टेट में सरकार नहीं है किसी और पार्टी की सरकार है वहीं पे ज्यादा केसेस दिखाई हमें देते हैं वो भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे बट ये जो टोटल इश्यू है ये इशू समझने के लिए हमें वेटो पावर जो गवर्नर के होते हैं प्रेसिडेंट के होते हैं उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके साथ साथ ये जो आर्टिकल 111 है, 111 है है आर्टिकल 200 है आर्टिकल 201 है ये रिलेटेबल कहाँ पे रिलेट करते हैं ये पहले समझना होगा उसके साथ साथ वेटो पावर उसके टाइप्स क्या है उसका मीनिंग क्या होता है ये पहले समझना होगा उसके बाद ये इशू जो है वो अच्छे से हम समझ सकते हैं विद एग्जाम्पल्स So, शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये जो मुद्दा है ये एक्चुअली है क्या और अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करते हैं पहले हम देखते हैं कि जो विटो पावर होते हैं इसका मतलब क्या होता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तीन टाइप के विटो पावर दिए हैं उसमें पहला है एब्सोल्यूट वेटो दूसरा सस्पेंसिव वेटो और तीसरा पॉकेट वेटो है अभी यहाँ पे पहले आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं कि प्रेसिडेंट के पावर क्या होते हैं और गवर्नर के पावर क्या होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एक्ट बनाना, बनाना चाहती है तो उस एक्ट की एक जर्नी होती है कोई भी एक्ट बनाने से पहले उससे रिलेटेड बिल जो है वो लेजिस्लेचर में प्रस्तुत किया जाता है अभी अगर सेंटर की बात हम करेंगे तो सेंट्रल पार्लियामेंट में क्या होता है कि राज्यसभा और लोकसभा में वो बिल पारित होगा और उसके बाद वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति के असेंट के बिना अप्रूवल के बिना वो जो बिल है उसका एक्ट में कन्वर्जन नहीं हो सकता और यही पे आती है प्रेसिडेंट के वेट पावर वहां पे प्रेसिडेंट उस बिल से रिलेटेड क्या कर सकता है एक तो उस बिल को अप्रूवल देगा मतलब असेंट देगा या वो बिल रिजेक्ट हो जाएगा रिजेक्ट कर देगा प्रेसिडेंट और वो जो अगर बिल प्रेसिडेंट के द्वारा रिजेक्ट होता है तो वो कभी भी एक्ट नहीं बन सकता अगर उससे रिलेटेड एक्ट बनाना है तो फिर से बिल पास करना पड़ेगा मतलब अलग से बिल प्रस्तुत करना पड़ेगा फिर से वही जर्नी होगी उसके साथ साथ प्रेसिडेंट वो रिकंसिडरेशन के लिए फिर से पार्लियामेंट को भेज सकता है मतलब वहां पे क्या होगा कि बिल के ऊपर फिर से चर्चा होगी फिर से पार्लियामेंट वो बिल पास करेगी और फिर से प्रेसिडेंट को भेजेगी बट अगर रिकंसीडरेशन के बाद विथ अमेंडमेंट और विदाउट अमेंडमेंट पार्लियामेंट फिर से प्रेसिडेंट को अगर बिल भेजती है तो उसको प्रेसिडेंट को असेंट देना ही होगा प्रेसिडेंट शुड ये हमें समझ में आ गया और वो जो एक्शन नहीं लेगा उसका टाइम लिमिट कितना भी हो सकता है इंडिफिनेट टाइम लिमिट हो सकता है मतलब प्रेसिडेंट ना बिल रिजेक्ट करेगा ना बिल को एसेंट देगा। ये हो सकता है सेंटर में और वही बात हम स्टेट गवर्नमेंट में लाते हैं यहां पे गवर्नर आ गए सो यहां पे फिर से वही बातें होगी क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई लॉ अगर कोई एक्ट लाना चाहती है तो वहां पे क्या हो सकता है उस एक्ट से रिलेटेड एक बिल स्टेट लेजिसलेशन में पास होगा और वो किसके पास जाएगा गवर्नर के पास जाएगा गवर्नर यहां पे क्या कर सकता है एक तो बिल को असेंट देगा या बिल रिजेक्ट कर देगा अगर गवर्नर रिजेक्ट करता है तो वो एक्ट नहीं बन सकता सिंपल बात है, जैसे प्रेसिडेंट ने किया, वैसी पावर गवर्नर को भी है स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड स्टेट बिल से रिलेटेड उसके बाद गवर्नर वो बिल रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकता है और अगर स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट जो असेंबली है वो बिल फिर से पारित करती है और फिर से वो गवर्नर के पास बिल जाता है रिकंसिडरेशन के बाद अमेंडमेंट अमेंडमेंट और विदाउट तो गवर्नर को उसको असेंट देना ही होगा यहां तक जो बातें थी वो सेम प्रेसिडेंट के साथ जो हो रहा था वो गवर्नर के साथ हो रहा है मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि स्टेट गवर्नमेंट में जो गवर्नर कर रहा है वही प्रेसिडेंट वहां पे कर रहा है मतलब यहाँ पे सिमिलरिटीज है बट डिफरेंस पे है? यहाँ पे डिफरेंस है कि गवर्नर के पास और एक पावर क्या है कि गवर्नर वो जो बिल है वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रख सकता है उसके बाद जो जर्नी होगी उस स्टेट बिल की वो प्रेसिडेंट तय करेगा वो एक अलग बात है गवर्नर की उसके साथ साथ मतलब यहाँ पे हायर अथॉरिटी कौन है प्रेसिडेंट है उसके साथ साथ जिस पॉकेट वेटो की हम बात की थी वो पॉकेट वेटो गवर्नर को नहीं दिया गया है फिर से रिपीट करता हूं वो जो गवर्नर के पास नहीं है। जहां पे गवर्नर अगर पॉकेट वेट होता पॉकेट वेटो गवर्नर के पास होता तो हो सकता है कि गवर्नर भी उसका यूज करता और कोई भी अगर स्टेट गवर्नमेंट से बिल आता है तो उसके ऊपर वो भी एक्शन नहीं लेता ना सेन देता ना रिजेक्ट करता बट वो पावर गवर्नर के पास नहीं है फिर हम कह सकते हैं कि पॉकेट वीटो एंजॉय कर रहा है बट अगर कॉन्स्टिट्यूशनली बोले पॉकेट तो वेटो गवर्नर के पास नहीं है बट ये जो फिर भी क्यों हो रहा है क्योंकि आर्टिकल टू के 100 में जो तरतु दी गई है जो प्रोविजन की गई है उसके वजह से हो रहा है वो आगे अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में हम समझ लेंगे यहां तक आपको समझ में आ गया है सब? अभी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो यहां पे दिया गया है एप्सिलेट वेटो सस्पेंसिव वेटो पॉकेट वेटो अभी एप्सिल्यूट वेटो क्या है इसके पहले वेटो क्या है वेटो किसे कहते हैं अगर किसी चीज को रिजेक्ट कर दिया नो बोल दिया नो को हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं वेटो है और यहां पे एप्सुल्यूट पहला जो टाइप दिया गया है वो एप्सोलूट वेटो दिया गया है मतलब यहां पे प्रेसिडेंट या गवर्नर क्या कर सकते हैं कि बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं टोटली और बिल को अगर रिजेक्ट किया जाता है तो वो एक्ट नहीं बन अब ऐसे देना न देना यह सब आता है दूसरा जो पार्ट आता है वो सस्पेंसिव वेटो आता है अभी यहां पे सस्पेंसिव वेटो यहां पे क्या है प्रेसिडेंट या गवर्नर क्या कर सकते हैं अभी प्रेसिडेंट या गवर्नर एक ही जगह में बोल रहा हूं इसका मतलब आपको ये समझ में आया है कि गवर्नर में स्टेट लेजिस्लेचर के लेजिस्लेचर के बारे में बात कर रहा हूं स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट के बारे में और प्रेसिडेंट में सेंट्रल पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहा हूं यह आपको समझ में आया है स्टेट में गवर्नर सस्पेंसिव वेटो का यूज करेगा मतलब क्या करेगा कि वो जो स्टेट बिल स्टेट गवर्नमेंट बिल पास कर रही है वो के लिए भेजेगा और प्रेसिडेंट वहां पे पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा मतलब सस्पेंसिव वेटो का मतलब यह है कि बिल फिर से रिकंसिडरेशन के लिए सभागृह को भेजा जाता है यहां तक बात समझ में आ गई अभी हम बात करते हैं पॉकेट वेटो की जो कि ज़्यादातर आपको समझ में आ गए पॉकेट वेटो जो है वो गवर्नर को नहीं दिया गया तो यहाँ पे गवर्नर तो डिबार हो गए पॉकेट वेटो सिर्फ किसे दिया है प्रेसिडेंट को अभी यहाँ पे प्रेसिडेंट पॉकेट वेटो का यूज करता है मतलब क्या करता है मतलब ना बिल को असेंट देगा प्रेसिडेंट या ना बिल को रिजेक्ट करेगा मतलब वो बिल जो है वो पॉकेट में रखा जाएगा पॉकेट से बाहर ही नहीं निकाला जाएगा पॉकेट से बाहर कब निकलती चीजें हम जब कोई एक्शन लेनी हो उस पर सो so, ऐसे हम सिंपल लैंग्वेज में ध्यान में रख सकते हैं मतलब ना सेन देगा ना रिजेक्ट करेगा ना कोई भी उसके ऊपर एक्शन लेगा इसे हम पॉकेट वेटो कहते हैं उसके साथ साथ इसके लिए कोई एक्सेप्शन भी दिया है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा तो द प्रेसिडेंट हैज नो वेटो पावर व्हेन इट कम्स टू द

तो एब्सोल्यूट वेटो के डेफिनेशन दी गई है सस्पेंसिव वेटो के डेफिनेशन दी गई है पॉकेट वेटो की डेफिनेशन दी गई है ये सिंपल लैंग्वेज में ऑलरेडी मैंने आपको समझाया बट इसके लिए कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि सस्पेंसिव वेटो जिसपे प्रेसिडेंट या गवर्नर सभागृह सभागृह को फिर से बिल रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है उसके लिए कुछ एक्सेप्शन है अगर वो मनी बिल होगा अगर वो मनी बिल होगा तो अगर वो मनी बिल होगा तो वहां का यूज नहीं किया जाएगा नहीं हो सकता ये गवर्नर को भी लागू है और प्रेसिडेंट को भी लागू है इसके साथ साथ इफ द प्रेसिडेंट द बिल अमेंडमेंट मतलब जैसे कि मैंने बताया में क्या होता है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर सभागृह को फिर से बिल रिकन्न के लिए भेजते हैं बट गवर्नमेंट की तरफ से मतलब प्रेसिडेंट के केस में अगर पार्लियामेंट की तरफ से बिल विथ और विदाउट अमेंडमेंट कंसिडर होके आता है फिर से पास होके आता है तो प्रेसिडेंट शुड गिव असेंट फॉर दैट बिल प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट टू हम बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट को बिल को असेंट देने ही होगी प्रेसिडेंट तो गिव असेंट टू दैट बिल सो so, ये बात इंपॉर्टेंट है वो हमें समझना होगा उसके साथ साथ अगर पॉकेट वेटो की हम बात करते हैं तो वहां पे क्या है कि एक्शन उस बिल पे कुछ भी नहीं होती वही पे हम पॉकेट वेटो का मतलब एंजॉय करते हैं प्रेसिडेंट पॉकेट वेटो का यूज करता है मतलब क्या करता है कि उस बिल पे कोई भी एक्शन नहीं होती प्रेसिडेंट कुछ भी एक्शन नहीं लेगा किसी भी तरह के एक्शन नहीं लेगा सेम पॉकेट वेटो कहते हैं बट अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो वहां पे अलग चीज है कि उनके प्रेसिडेंट के लिए टेन डेज की समय अवधि दिया गया है वहां पे उनको डिसीजन लेना ही पड़ता है सो ये बात है। बट वो अलग बात है एक फैक्ट करके मैंने दिया है यहाँ पे सभी जगह दिया है उसके साथ साथ अगर यहां पे हम बात करें कि यहां तक तो बेसिक चीजें हमें समझ में आ गई अभी एक ग्राउंड क्रिएट हो गया कि आगे की चीजें चीजें समझने के लिए यहां पे जो आर्टिकल वन इलेवन है आर्टिकल टू डबल जीरो जो आर्टिकल है इसमें क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं? सिंपल सी बात है आर्टिकल वन इलेवन में जो विटो के टाइप्स होंगे वो विटो के टाइप्स और उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रोविजन दी गई है अगर आर्टिकल टू जीरो वन की हम बात करते हैं तो यहां पे जैसे कि मैंने गवर्नर को एक पावर क्या है कि वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए स्टेट बिल रिजर्व रख सकते हैं वो जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 201 में दी गई टू जीरो पर आर्टिकल 200 हंड्रेड यहाँ पे आर्टिकल 200 में क्या दिया गया है टोटल आर्टिकल 200 जो है वो गवर्नर की जो बिल को असेंट देना है या नहीं देना इससे रिलेटेड जो विटो पावर है उसकी जो प्रोविजन दी गई है वो आर्टिकल टू में दी गई है बट यहां पर एक डिबेट का मुद्दा क्या है कि जो प्रेसिडेंट बिल को असेंट देगा या नहीं देगा यह जो डिसीजन है वो डिसीजन कितने टाइम समय में कितने दिनों में कितने में, कितने महीनों में में वर्षों लेना है ऐसा कौन सा भी टाइम लिमिट इस आर्टिकल के अंदर दिया गया नहीं है मतलब गवर्नर कभी भी डिसीजन ले सकता है और यहां पे डिबेट का जो पॉइंट है वो शुरू हो जाता है क्यों क्योंकि गवर्नर जो बिल के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा वो इसी आर्टिकल का हवाला दे के नहीं ले रहा मतलब आर्टिकल 200 में कहीं भी तरतूद नहीं दी गई है प्रोविजन नहीं दी गई है कि गवर्नर ने कितने दिनों में या कितने टाइम फ्रेम में डिसीजन बिल के ऊपर लेना है वो कहां पे भी मेंशन नहीं किया यही लूपोलो लूप है आर्टिकल 200 का इसके वजह से क्या हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग बिल पास करना चाह रहे हैं वो अलग अलग एक्ट्स बनाना चाह रहे हैं बट गवर्नर कई सारे जो ये बिल्स है उसको असेंट ही नहीं दे रहा सॉरी असेंट नहीं नहीं दे रहा नहीं। उसके ऊपर कुछ भी एक्शन ही नहीं ले ले रहा मतलब ना असेंट दे रहा है ना रिजेक्ट कर रहा है ना रिकनसिडरेशन के लिए भेज रहा है और वहां पे वो क्यों हो रहा है गवर्नर ऐसा क्यों कर सकता है क्योंकि आर्टिकल 200 में कोई भी टाइम लिमिट टाइम फ्रेम नहीं दिया गया इतने टाइम फ्रेम के अंदर गवर्नर ने डिसीजन लेना है यहां पे गवर्नर सिर्फ बिल जो है स्टेट बिल वो पेंडिंग पे रख रहा है जैसे कि प्रेसिडेंट को पॉकेट वेटो होता है ना वैसे ही गवर्नर भी यहां पे एंजॉय कर रहे हैं बल्कि पॉकेट वेटो नहीं होता गवर्नर के ये यह यहां पे डिबेट का मुद्दा है दरअसल ये इस लेक्चर में हमें समझना और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो बिल पेंडिंग हो रहे हैं ना वो कौन से स्टेट में हो रहे ज्यादातर केसेस सामने आ हैं पे सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी की सरकार स्टेट गवर्नमेंट में जिस स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है वहां पे गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट इनके बीच क्लैश देखने को मिल रहा है और वहीं पे ज्यादातर इतफाक से ये हो रहा है कि ज्यादातर स्टेट बिल जो है वो पेंडिंग रहे जैसे कि यहां पे हमें दिया भी गया है इन तमिलनाडु अलोन ऑलमोस्ट बिल्स आर द गवर्नर पे तमिलनाडु की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बीस के आसपास बिल्स है उसके लिए कोई भी डिसीजन गवर्नर की तरफ से नहीं आया या असेंट नहीं आया ऐसे हम बोल सकते द सिचुएशन इज नो डिफरेंट इन तेलंगाना वेस्ट बंगाल Well. मतलब यहाँ पे तेलंगाना और वेस्ट बंगाल की सिचुएशन भी कोई अलग नहीं है ऐसा यहाँ पे कहा गया है।, सो इसके लिए ये जो है वो हमें समझना होगा मतलब यहाँ पे घुमा फिरा के बात आ जाती है आर्टिकल 200 के कि आर्टिकल 200 का जो प्रोविजन है उसमें कहीं ना कहीं लूप होल है और उसका फायदा कहीं ना कहीं उठाया जा रहा है ये यहाँ पे बोला जा रहा है सो so, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की हम बात करेंगे घटना समिति की हम बात करेंगे सो आर्टिकल टू हंड्रेड के इस लो के बारे में प्रोफेसर शिवबान लाल इन्होंने बात की थी बट वो इग्नोर किया गया ऐसे यहाँ पे कहा गया उसके साथ साथ पुरुषोत्तम नंबीदिरी नंबूदिरी जो केस है वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस है वहां पे जुडिशरी ने जजमेंट दिया था

थोरिटिटिव रूलिंग ऑन इट मतलब हमारी जो न्यायपालिका है उसके पास भी कोई अलग अथॉरिटी नहीं है ये सही करने के लिए ये भी यहां पे कहा गया है मतलब अगर हम सही और गलत की बात करेंगे अगर कोई चीज हमें सही करनी है ना तो पहले वो गलत है या नहीं है ये समझना होगा और जब भी हमें गलत है अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तभी उस चीज को हम सही कर सकते बट अगर सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे 1962 जजमेंट देखेंगे ना तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट इसको गलत मान ही नहीं रहा तो वो उस हिसाब से गलत ही नहीं है तो सही करने की बात ही नहीं है ऐसा भी यहाँ पे तर्क दिया जा सकता है द प्रेसिडेंट और गवर्नर कैन एक्ट ओनली इन हारमोनी देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बट अगर एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हम स्वरूप देखेंगे तो गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो पोस्ट क्रिएट क्यों की गई है क्योंकि जो मिनिस्टर्स बॉडी है जो गवर्नमेंट है वो ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही है उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए हम कह सकते हैं गवर्नर या प्रेसिडेंट ये पोस्ट तैयार की गई है और इसकी डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजन है बट यहां पे क्वेश्चन मार्क कहां पे आता है कि गवर्नर या प्रेसिडेंट वैसे काम कर रहे हैं क्या दरअसल हम बात ज्यादातर यहां पे करते हैं गवर्नर की क्या गवर्नर की जो पोस्ट पे बैठने वाला जो इंसान है वो वैसे काम कर रहा है क्या अगर वैसे काम कर रहा है तो फिर क्लैश क्यों हो रहे हैं और क्लैश होने की वजह जो है वो भी ऐसी वजह क्यों है जहां पे गवर्नमेंट जो है वो कोई एक्ट पास करना चाह रही है बट गवर्नर उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा सिर्फ चुप्पी सादे हुए तो ये क्यों हो रहा है यह भी हमें सोचने की जरूरत है सो यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो गवर्नर पोस्ट क्रिएट की गई है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कहते हैं वो पोस्ट जिसके लिए तैयार की गई है उसके लिए काम कर रही है या नहीं, है? नहीं कर रही है। उसकी तरह काम कर रही है नहीं कर रही है? इसके बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा डिबेट का मुद्दा बन जाता है ये यहां पे कहा गया है उसके साथ साथ अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए प्रेसिडेंट हैज नॉट एक्टेड जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो नीट का बिल था वो अभी तक जो है वो पेंडिंग पे है मतलब अभी यहाँ पे एक प्रोविजन गवर्नर की क्या है गवर्नर जो है वो बिल रिजर्व कर कर सकता है रिजर्व रख सकता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बट प्रेसिडेंट को भी कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है कि उसके ऊपर प्रेसिडेंट ने एक्ट करना ही करना है तो so, उसका एग्जांपल नेट एग्जाम्शन बिल जो है उसका दिया है जहां पे प्रेसिडेंट की तरफ से कोई भी एक्शन अभी तक नहीं आया जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पास किया सो so, ये जो लूप होल से वही यहां पे डिस्कस किए गए हैं जो कि सिंपल लैंग्वेज में मैंने पहले आपको बताया और इसके बारे में अलग अलग जो कमिटीज थी अलग अलग बॉडीज अलग अलग जो तज्ञ लोग थे उनकी बॉडीज इसके ऊपर बिठाई गई थी इसके ऊपर उन्होंने भाष्य किया है जहां पे इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये जो अ, 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 जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी कमिटी जो थी वो कमेटी ले लो या अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट जब थी वहां पे भी एक कमीशन था नेशनल कमीशन टू तो रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का वर्किंग कैसे चल रहा है ये देखने के लिए उसके साथ साथ सरकार या कमीशन के आगे जिस जिस स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट ने उनके स्टेटमेंट दिए थे उनका ओपिनियन दिया था उस ओपिनियन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सभी का यही मानना है कि वहां पे कुछ तो रूल्स तो एंड रेगुलेशन ऐसे होने चाहिए जिसका उल्लंघन नहीं हो पाए या उस रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ भी लूपोल नहीं हो ऐसा यहाँ पे बोला गया था और उसके साथ साथ हमें डिफाइन करना होगा कि गवर्नर की पोस्ट एक्चुअली है किस लिए प्रेसिडेंट की पोस्ट एक्चुअली है किस लिए जैसे कि यहां मतलब जो गवर्नमेंट काम कर रही है उनका काम सही चल रहा है या गलत चल रहा है ये चेक एंड बैलेंस देखने के लिए गवर्नर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये भी हमें चेक करने की जरूरत है या ऐसा ना हो कि गवर्नर ही अच्छे से काम कर रहे हैं ना कर रहे यही हम हमें पता नहीं चल रहा है। मतलब पोस्ट फाउंड करने का पर्पज अलग है बट वहां पे जो इंसान जा रहा है उस पोस्ट का कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहा है इसके लिए क्लैश उबर रहे ये भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं बट यहाँ पे क्या है जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गए अगर उसके अंडर में वो चीज हो रही है तो वो सही ही होगी क्योंकि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तो तरतुद है उससे रिलेटेड जैसे कि आर्टिकल 200 में टाइम लिमिट नहीं दिया गया तो नहीं दिया गया तो वहां पे हम गवर्नर को या गवर्नर की ये जो सिटिंग ऑन बिल जो एक्शन है मतलब बिल के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेना ये जो कृति है इसके लिए गलत नहीं ठहरा सकते हमें वो लूफ जो है वो ढूंढ के निकालने होंगे और वो सही करने होंगे तभी चीजें जो है वो सही चल सकती है ये यहाँ पे समझने की जरूरत है यहाँ पे कमीशन ले लो या बाकी जो कमिटीज दी गई है वो भी आप नोट डाउन कर लो क्योंकि आंसर राइटिंग में हम इसका यूज कर सकते हैं मतलब मोटा मोटी इस लेक्चर में हमने यह समझने की कोशिश की कि जो आर्टिकल टू हंड्रेड में प्रोविजन दी गई है वो जो प्रोविजन है उस, उसमें कुछ तो लूप होल है और वो लूप होल क्या है कि गवर्नर को जो बिल भेजा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसके ऊपर जो एक्शन गवर्नर ने लेना है उसके लिए कुछ भी टाइम लिमिट निर्धारित नहीं किया कुछ भी टाइम लिमिट नहीं दिया है। यही आर्टिकल 200 है। और इसका में जाता फॉल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये जो आर्टिकल फॉल है उसका फायदा उठाया जाता है मतलब यहाँ पे यही है कि पॉकेट वेटो गवर्नर को नहीं है फिर भी पॉकेट वेटो एंजॉय गवर्नर कर रहा है ऐसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं और इसकी वजह क्या है आर्टिकल 200 हंड्रेड की प्रोविजन ये वजह है और यही मुद्दा जो है इस लेक्चर में हमको समझ के लेना था सो आशा करता हूं कि अच्छे से आपको मैं समझा पाया हूंगा फिर से एक जा, एक बार रिविजन करते हैं कि इस लेक्चर में क्या क्या देखा हमने इस लेक्चर में वेटो पावर देखे प्रेसिडेंट के वेटो देखे गवर्नर के वेटो पावर देखे उसमें डिफरेंस क्या होता है ये भी एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने कोशिश की कि आपको समझा पाऊ और उसके बाद इस लेक्चर का जो मेन मुद्दा हमारा था सेंटर पॉइंट था वो था आर्टिकल 200 की वजह से गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट इनके बीच जो बार-बार क्लैश होता रहता है वो क्यों होता है ऐसे क्या लूपहोल है ऐसा क्या लूपहोल है आर्टिकल 200 में जिसकी वजह से ये जो क्लैशेस है क्रिटिसिज़म बार-बार चलता रहता है ये इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश किए सो आशा करता हूं आपको मैं अच्छे से समझा पाया होगा अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है फायदेमंद हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये पहुंचाइए और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए करिए और अगर नहीं लगता तो डिसलाइक करिए और डिसलाइक क्यों किया ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि आपके कमेंट के हिसाब से मैं इसमें इंप्रोजेशन कर सकूं सो यहाँ पे आपकी रजा लिताओं मिलते हैं अगले ऐसे है इंटरेस्टिंग टॉपिक में तब तक गुड बाय टेक केयर जय हिंद